वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इस वीडियो के अंदर वही क्वेश्चंस को कवर किया है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया है, 26 जनवरी 1929 वॉज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे विद द, जब हमने राष्ट्र तिरंगा जो है हमारा उसको अनफ्लर किया और इसी दिन को हमने चूज़ किया अपने रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन नेशनल आर्मी इस्टेब्लिश किसने की थी, मोहन सिंह ने कब की थी, 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको ज्वाइन किया था 1943 में, कहाँ पे, सिंगापुर में। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको कवर किया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। हेयर इज़ फोर ऑप्शंस और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 3 से 4 बार आ चुका है एग्जाम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, इनमें से किसने शिफ्ट की थी कैपिटल हमारी कलकत्ता टू दिल्ली। सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियंस जिन्होंने सेटअप किया था ट्रेडिंग्स इंडिया के साथ सेटलमेंट करके, वो कौन थे, पुर्तगीज थे, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 वॉज फाउट बिटवीन, कभी कभी तो ये पूछा जाता है बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी 1757 में। अब यहाँ पे पूछा गया था किसके किनके बीच हुई थी, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिराज उदुल्ला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसी में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764। सो ये जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म इन 1942, ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म कब की गई थी, 1942 में, और कौन से प्लेस में की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन 1853 विच रेन बिटवीन, कहाँ से कहाँ हुई थी, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता टू आगरा, ठीक है फ्रेंड्स। और किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी, ये भी पूछ लिया जाता है, और कौन से सन में की थी, 1853। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको आप याद रखना। इसी में और भी की पॉइंट्स को कवर किया मैंने, उनको देखते हैं। इनके टाइम पे अबॉलिश किया गया था टाइटल्स एंड पेंशंस को, पास्ड विडो री मैरिज एक्ट 1856, इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे लाइन एंड टेलीग्राफ लाइन, एंड फर्स्ट रेलवे लाइन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ, बॉम्बे टू थाने ओपन हुई थी, और कौन से सन में, 1853 में। तो ये तो इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट्स थे, ये आप करके जाना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी भी तरीके से आए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया, सो अभी हमने इसको डिस्कस किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज इस्टेब्लिश अंडर, कौन से एक्ट के अंडर थी, वो थी ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयल एक्ट, सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एनी बेसिन। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज होगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ होगा, पैटर्न भी चेंज हो रखा है, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शॉर्ट शॉर्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिले उसको गेन कीजिए और तैयारी करते रहिए।
की पॉइंट इसमें मैंने कवर किया था जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, इसमें डेट पूछ ली जाती है तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और सरदार उधम सिंह ने जो जनरल डायर था उसको मर्डर कर दिया था, कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉल्ड द संत ऑफ दक्षिणेश्वर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामाकृष्णा परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द 1857 रिवॉल्ट ब्रोक आउट, कौन से गवर्नर जनरल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लीड द 1857 रिवॉल्ट इन दिल्ली, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, बख्त खान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रमेश चंद्रा बनर्जी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्णा गोखले, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोटो ऑफ होम रूल मूवमेंट, ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्ला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें मैंने की पॉइंट को कवर किया है, इन विच ईयर्स वॉज द इंडियन मुस्लिम लीग फाउंडेड, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी इन बंगाल अटैक द आर्मी एट चितगांव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है ये भी 2 बार। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सूर्य सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, NM जोशी, और इनका पूरा नाम था नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन कम इन 1917, या तो ये पूछी जाएगी डेट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज लॉन्च अलॉन्ग विद द खिलाफत मूवमेंट, तो कौन सा था वो? वो था हमारा ऑप्शन ए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और कब शुरू हुआ था ये डेट? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले, कब हुआ था? ऑप्शन बी, 1921 में। ठीक है, और इसी में किसने किया था ये भी देख लेते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर किया, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड, कब की थी? 1942 में। और पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था हमारे राष्ट्र ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन इन 1857, सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कलकत्ता। ठीक है, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी हमारी कलकत्ता में 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नोटेबल फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी वॉज, सो इसका राइट आंसर है वाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वॉज फर्स्टली सजेस्टेड, किसने किया था?
सो ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसी में और इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया है, 1933 में पाकिस्तान टर्म जो कॉइन किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ ये है, डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम 1940 में की थी, कहाँ पे, लाहौर सेशन बाय मुस्लिम लीग में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वराज पार्टी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी देशबंधु सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अटर्ड दैट गिव मी ब्लड आई प्रोमिस यू फ्रीडम, ये किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसी में मैंने एक और पॉइंट को कवर किया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश रूलर, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम द नेशनलिस्ट सॉन्ग है, ये पार्ट ऑफ किसका, आनंद मत का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया वॉज, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बारेन पॉल ने। इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ कवर किए हैं, उनको देख लेते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल जो थे हमारे फ्री इंडिया के और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल रहे सी राजा गोपालचारी। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, वॉन हेस्टिंग। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत में मूवमेंट 1920, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में, दांडी मार्च 1930, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप मेहनत करते रहिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आप कॉम्पिटिशन को अच्छे से फाइट कर सकें। बाकी जय श्री राम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा अपडेट्स एंड PDF पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।